लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं बिकी ताजा खबरों की ओर। शहीद संदीप यादव का पार्थिव देह पहुंचा सोनगच, शहीद को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी सरयू महोत्सव धूमधाम से मनेगा। सरयू महोत्सव मनाने की तैयारी हुई तेज, 4 दिन तक मनेगा सरयू जन्मोत्सव। शमशाबाद में एक किराने की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में जलकर खाक हुआ लाखों का माल। शहीद संदीप यादव का पार्थिव देह सोनकच्छ पहुंचा, शहीद को देखने के लिए पूरे गांव का हुजूम उमड़ पड़ा। सीआरपीएफ के आला अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और लोक निर्माण विभाग मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भोपाल से पार्थिव देह लेकर पहुंचे। नगर में जगह जगह शहीद पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जयकारों से पूरा नगर गूंजा। पार्थिव देह रखे वाहन के आगे दो पहिया वाहन रैली निकाली गई। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में देवास जिले के कुलाना निवासी संदीप यादव भी शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में प्रस्तावित तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं में अयोध्या को सवारने की कवायद है। वहीं आध्यात्म की दृष्टि से भी सीएम अयोध्या को सवारने पर लगे हैं। राम की नगरी को उसकी आस्था के अनुरूप तैयार करने के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में भव्य सरयू आरती को स्वीकृति प्रदान की थी। अब पिछले वर्ष सरयू महोत्सव भी अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया था। इस बार विशाल सरयू महोत्सव मनाने की तैयारी तेज हो गई है। 4 दिन चलने वाले सरयू महोत्सव में पूर्णिमा के दिन में सरयू का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सरयू महोत्सव का उद्घाटन 14 जून को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सरयू को 1.25 क्विंटल दूध से अभिषेक किया जाएगा। माता जी को चुंडी चढ़ाई जाएगी। 108 कन्याओं को भोज भी कराया जाएगा। ये माता जी का जन्मोत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पड़ता है। सरयू जयंती महोत्सव का आयोजन सप्तम वर्ष है ये। विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको भव्यता प्रदान की गई 10 लाख रुपए की सहायता राशि के द्वारा। अब की वर्ष 15 लाख रुपए की घोषणा हुई है। अब आगे ठाकुर जी जाने हैं, लेकिन प्रथम दिन 14 तारीख को माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा इस सरयू जयंती महोत्सव का शुभारम्भ होगा। और 15 तारीख को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे, जो कथा मंच का, ज्ञान मंच का उद्घाटन करेंगे, माता जी की आरती करेंगे। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आगरा जनपद के कस्बा शामसाबाद में एक किराने की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे लगी। जब आग लगने की जानकारी दुकान मालिक को लगी तो दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। सुबह होते होते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बरसाती पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के लिए रायगढ़ नगर निगम ने भवन निर्माण के पूर्व वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य तो किया, लेकिन इस नियम का कड़ाई से पालन कराना भूल गया। आलम यह है कि इस मद में तकरीबन 50 लाख रुपए से अधिक की राशि पड़ी हुई है। न लोगों ने घरों में सिस्टम लगवाया और न ही निगम अधिकारियों ने घरों की जांच की। अब अधिकारी इस राशि को राजसात करने की बात कह रहे हैं। राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को ये निर्देशित किया था कि भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र जारी करने के पहले भू स्वामियों से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम पर राशि जमा कराएं। ये राशि भवन के बिल्टअप एरिया के अनुरूप 55 रुपये स्क्वायर मीटर की दर पर ली जाती है। इस मत में नगर निगम में 50 लाख से अधिक की राशि सालों से पड़ी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में निगम में भवन निर्माण के दौरान 813 लोगों से वाटर हार्वेस्टिंग की राशि जमा कराई गई है। हालांकि राशि जमा कराने के बाद भी भूस्वामियों ने घरों में सिस्टम नहीं लगवाया। ऐसे में नगर निगम अब इस राशि को राजसात करने की बात कह रहा है। इधर मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि सिस्टम लगाने में भूस्वामियों की ही रुचि नहीं है। लोग घर बनाने के बाद उसमें तोड़फोड़ नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने राशि भी वापस नहीं ली है और सिस्टम भी नहीं लगवाया। नगर निगम में ना करीब 293 हाउसेज जो बिल्डिंग परमिशन जारी होता है उसका करीब 50 लाख रुपए जो है हार्वेस्टिंग का जमा है, लेकिन नागरिक जो है जिनके घरों पे बनना है वो घर को ऐसा
पूर्ण रूप से किए रहते हैं कि वो जो है फिर उसमें जरा सा तोड़फोड़ या उसकी क्षति नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका हार्वेस्टिंग के पैसे भले ही रात साथ हो जाए लेकिन वो अपने घरों पर हार्वेस्टिंग के लिए नहीं बनना चाहते या नहीं बनाने की इच्छुक रहते हैं। तो ऐसी राशि को रात साथ लगभग किया जा रहा है वन टू वन एक एक करके, और उस पैसे को जो है उनके घरों पे जगह है तो या नहीं है तो जो सार्वजनिक नगर निगम की संपत्ति है या जो ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर जो बोर लगा हुआ है या हमारा नगर निगम का बोर है या फिर हैंड पंप है या जो पुराने बोर है जो डेड हो चुका है जिसका उपयोग नहीं रह गया किसी प्रकार से, उनको वहाँ के आसपास के भवन जिसका भी घर हो चाहे वह शासकीय हो या निजी हो उसके छत के पानी को उससे जोड़ करके सीधे बोर कुफ से माध्यम से रिचार्ज करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ जगह पर हमारा विजिट भी सुबह किया था, अभी फिर से करेंगे। तो कोशिश है कि अगले 15 दिन में आपको काफ़ी प्रगति इस दिशा पे अच्छा सकारात्मक प्रगति दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। झारखंड के गढ़वा में आज तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। कुठरिया पंचायत में 10 सोलर लाइट पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। इस बात की जानकारी पंचायत मुखिया अनीता देवी ने दी। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिवालय पर लगे पानी की टंकी और पाइप भी बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही पंचायत के कई लोगों के करकट वाले घर खपड़ैल मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव की मुखिया ने क्षतिग्रस्त लोगों को यथासंभव सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की बात कही है। वहीं चटनिया पंचायत के घोड़दाग गाँव में भी आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।